सब्सक्राइब कीजिए चैनल मैक विद्यार्थी को और आने वाली न्यू वीडियोस की इंफॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। हेलो विद्यार्थियों, मैं मुकेश वेलकम करता हूं आप सभी का चैनल मैक विद्यार्थी में। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंपैक्ट लोडिंग। तो इस लेक्चर में आपको समझाऊंगा कि इंपैक्ट लोडिंग क्या है और इंपैक्ट लोडिंग में जो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है उसको किस तरह से ड्राइव करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इंपैक्ट लोडिंग क्या है? जब किसी मशीन मेंबर पर अचानक से लोड अप्लाई किया जाता है, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट पर दूसरा ऑब्जेक्ट गिरे या उसे वो चोट करे, उसको हिट करे, तो उस कंडीशन में जो लोड प्रोड्यूस होगा उसको बोला जाता है इंपैक्ट लोड। और ये जो पूरी लोडिंग कंडीशन होती है इसे हम बोलते हैं इंपैक्ट लोडिंग। अब किसी भी ऑब्जेक्ट में इंपैक्ट लोडिंग के कारण क्या क्या उसमें चेंजेस होंगे उसके लिए हम इंपैक्ट टेस्टिंग मशीन का यूज करते हैं। तो आप सामने देख रहे हैं इंपैक्ट टेस्टिंग मशीन, इसमें एक ऊपर स्केल लगा रहता है और यहाँ पर एक हैमर रहता है और नीचे यहाँ पर हम वर्कपीस को फिक्स कर देते हैं। अब एक सर्टेन हाइट से हैमर को नीचे गिराया जाता है तो उस कंडीशन में क्या क्या उसमें चेंजेस आएंगे वो हम इस मशीन के द्वारा देख लेते हैं। अब इंपैक्ट स्ट्रेस क्या है? देखिए, जब इंपैक्ट लोडिंग के कारण जो मशीन मेंबर है उसमें जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, यानी कि हमारे पास हैमर गिराया गया तो उसमें इंपैक्ट लोडिंग हुई है, इस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट यहां पर है उसमें जो स्ट्रेस डेवलप हुआ है उसको बोला जाता है इंपैक्ट स्ट्रेस। अब आगे हम देखेंगे कि इंपैक्ट स्ट्रेस को इंपैक्ट लोडिंग की कंडीशन में किस तरह से निकाला जाता है। जब किसी बॉडी पर एक सर्टेन मोमेंटम के साथ एक लोड स्ट्राइक करता है तो इसको बोला जाता है इंपैक्ट लोड। अब देखते हैं इसमें हम स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला किस तरह से निकालेंगे। तो पहले इसमें एक डायग्राम है, इसमें एक वर्टिकल रॉड है जिसकी लेंथ एल है और जिसका एरिया ए है। इस रॉड का ऊपर वाला सिरा फिक्स है और नीचे वाले सिरे पर एक कॉलर लगा हुआ है। अब यहाँ पर लोड P को एक सर्टन हाइट S से नीचे ड्रॉप किया जाता है जिसके कारण यहाँ पर डेल्टा L का एक्सटेंशन हो रहा है। अब गिरते हुए लोड के कारण, फॉलिंग वेट के कारण जो वर्क डन होगा बार में वो होगा W इक्वल टू लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर लोड की वैल्यू है P और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो टोटल होगा H प्लस डेल्टा L। तो W इक्वल टू हो जाएगा P H प्लस डेल्टा L, क्योंकि जो P लोड है वो पहले H लेंथ कितना चलेगा उसके बाद यहाँ पर एक्सटेंशन डेल्टा L है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? H प्लस डेल्टा L। तो यहाँ पर इसलिए हम लिख रहे हैं P H प्लस डेल्टा L। अब हमें पता है एनर्जी स्टोर्ड लोड के कारण U इक्वल टू होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इनटू LA, और जो ये एनर्जी स्टोर्ड होती है ये वर्क डन के बराबर होती है, यानी U इक्वल टू वर्क डन। तो यहाँ पर हम U की वैल्यू रख देते हैं और W वर्क डन की वैल्यू रख देते हैं, तो आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर 2E LA इक्वल टू P H प्लस डेल्टा L। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो आ जाएगा P H प्लस P इंटू डेल्टा L। अब इस वाली इक्वेशन में हम दोनों साइड पर E अपॉन AL की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू LA E अपॉन AL पी एच ई अपॉन ए एल प्लस पी डेल्टा एल ई अपॉन ए एल। यहाँ इस ए एल से ये जो एल ए है ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर हम चेंज इन लेंथ डेल्टा एल के लिए फॉर्मूला पुट करेंगे सिग्मा अपॉन ई इक्वल टू डेल्टा एल। ये स्ट्रेन के लिए अभी जो पहले वाले दो केस थे उसमें भी हमने इसी तरह से चेंज इन लेंथ डेल्टा एल के लिए फॉर्मूला निकाला था। यहाँ पर डेल्टा एल की जगह हम सिग्मा अपॉन ई इंटू एल पुट कर देते हैं तो इक्वेशन यहां पर बन जाएगी, क्योंकि यहां पर ए एल से एल ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो इस साइड में आ जाएगा हाफ सिग्मा स्क्वायर और यहां पर हो जाएगा पी ई एच अपॉन ए एल प्लस पी और डेल्टा एल की जगह वैल्यू हमने ये पुट कर दी तो सिग्मा अपॉन ई इंटू एल इंटू ई अपॉन ए एल। अब इस क्वेश्चन को हम अरेंज कर देते हैं तो ये हो जाएगा हाफ सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू पी ई एच अपॉन ए एल प्लस पी इंटू सिग्मा अपॉन ए इंटू ई एल अपॉन ई एल। अब ई एल से ई एल कैंसिल आउट हो जाएगा तो इक्वेशन यहाँ पर बन जाएगी हाफ सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू पी ई एच अपॉन ए एल प्लस पी अपॉन ए ब्रैकेट के अंदर इंटू सिग्मा। अब ये जो दोनों स्टेप हैं इनको हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगी इक्वेशन हाफ सिग्मा स्क्वायर माइनस पी अपॉन ए सिग्मा माइनस पी ई एच अपॉन ए एल इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो इक्वेशन बनी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो
और इस इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो होता है उसके लिए फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। इस वाली इक्वेशन में जो a की वैल्यू है वो है हाफ, b की जो वैल्यू है वो है माइनस का p अपॉन a, और जो c की वैल्यू है वो है माइनस का p e h अपॉन a l। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी, तो माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा माइनस ब्रैकेट, क्योंकि बी की वैल्यू क्या थी यहां पर माइनस पी अपॉन ए, ब्रैकेट माइनस पी अपॉन ए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, माइनस पी अपॉन ए का जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा पी अपॉन ए का स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू थी हाफ, फोर इंटू वन बाई टू इंटू सी की वैल्यू थी माइनस पी ई एच अपॉन ए एल, तो यहां पर वैल्यू पुट कर देते सी की जगह तो हो जाएगा माइनस पी ई एच अपॉन ए एल अपॉन टू ए, ए की वैल्यू थी वन बाई टू तो टू इंटू वन बाई टू, यहाँ टू से ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां पर हम खाली पॉजिटिव रूट को कंसिडर करेंगे तो यहां पर नेगेटिव वाला जो है उसको कंसिडर नहीं करेंगे। अब ब्रैकेट को जब यहां पर ओपन किया जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए प्लस अंडर रूट, अब इसको हम ओपन कर देते हैं तो पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ टू से ये फोर कटेगा तो यहाँ टू आ जाएगा, और जब ब्रैकेट यहां पर ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो यहां पर साइन आ जाएगा प्लस टू इंटू पी ई एच अपॉन ए एल। और क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल करने के लिए हम यहाँ पर पी अपॉन ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो इक्वेशन यहाँ पर जो सॉल्व होके बनेगी वो आएगी सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए प्लस अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू इंटू, अब पी से ये पी मल्टीप्लाई होके हो जाएगा पी स्क्वायर इंटू ई एच, इस ए से ये ए मल्टीप्लाई होके आ जाएगा ए स्क्वायर एल, और ए अपॉन पी को हम यहाँ पर छोड़ देंगे। अब हमें यहाँ पर दिख रहा है कि हम इस अंडर रूट के अंदर पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, जब अंडर रूट से पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को कॉमन लिया जाएगा तो बाहर आके ये पी अपॉन ए बन जाएगा, तो इक्वेशन यहाँ पर बन जाएगी सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए, पी स्क्वायर ए स्क्वायर को हमने कॉमन करके अंडर रूट से बाहर निकाला तो वो आ गया पी अपॉन ए, यहां पर क्या रह जाएगा वन, तो हमने लिख दिया वन प्लस टू ई ए एच, क्योंकि ये पी स्क्वायर ए स्क्वायर ये भी बाहर चला गया है और रूट के बाहर जाने पर ये पी अपॉन ए बन गया है, तो ये हो जाएगा टू ई ए एच अपॉन पी एल। तो इंपैक्ट लोडिंग केस में स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला आएगा सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए, अब इससे भी हमने कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा पी अपॉन ए ब्रैकेट वन प्लस अंडर रूट वन प्लस टू ई ए एच अपॉन पी एल। ठीक है, तो ये होता है इंपैक्ट लोडिंग के केस में स्ट्रेस के लिए। अब यहां पर जो स्ट्रेस है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस, और इसको डिनोट किया जाता है सिग्मा आई से। अब इंपैक्ट लोडिंग के अंदर ही एक टर्म आता है शॉक फैक्टर, अभी हमने इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला निकाला था सिग्मा आई इज इक्वल टू पी अपॉन ए ब्रैकेट वन प्लस अंडर रूट वन प्लस टू ई ए एच अपॉन पी एल। अब हमने माना कि इंपैक्ट लोड के कारण P के कारण जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो F है, और हमें पता है सिग्मा इक्वल टू होता है F अपॉन A, तो जो सिग्मा I है उसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे F अपॉन A, तो यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगी F अपॉन A इज इक्वल टू P अपॉन A ब्रैकेट वन प्लस अंडर रूट वन प्लस टू ई ए एच अपॉन पी एल, या A से A कैंसिल आउट हो जाएगा और इस P को हम इधर ले आएंगे F के नीचे, तो यहाँ बन जाएगा F अपॉन P इज इक्वल टू वन प्लस अंडर रूट वन प्लस 2 EAH upon PL। ये जो F upon P जो रेशियो है इसी को बोला जाता है शॉक फैक्टर या इंपैक्ट फैक्टर। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा, प्लीज इस लेक्चर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए इस तरह के और लेक्चर लाता रहूं। थैंक यू।